तस्वीर आप देख रहे हैं, जो तोपों से सलामी दी गई, 17 तोपों की सलामी दी गई जो कि प्रोटोकॉल के तहत है, वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं। और एक और तस्वीर है जो बहुत ही भावुक करने वाली तस्वीर है, जो देश किस तरह से सम्मान कर रहा है अपने जनरल का, वो आप देख रहे हैं। लेकिन एक तस्वीर वो भी जब बेटियों ने, जनरल रावत की बेटियों ने अपने माता पिता को मुखाग्नि दी है। मेरे सहयोगी कृष्णमोहन मिश्रा हमारे साथ, कृष्णमोहन मिश्रा रक्षा मंत्री बरा स्क्वायर से निकल चुके हैं और डिग्निट्रीज के भी निकलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। जी अदिति, अंतिम संस्कार समाप्त हो चुका है और अब रक्षा मंत्री को मैंने अभी निकलते हुए देखा है। अब इस समय राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और दूसरे जो डिग्निट्रीज हैं वो एक एक करके निकल के जा रहे हैं अंतिम संस्कार के बाद। जनरल बिपिन रावत की अंतिम यात्रा पूरी हो चुकी है। इस देश के साथ उनका भौतिक संबंध इस समय से ख़त्म हो चुका है। अब वो इस देश की यादों में रहेंगे। इस सेना को हमेशा अपने जो आदर्श थे, जो जैसा उनका जीवन था और जो उनके विचार थे, उनसे प्रेरणा देते रहेंगे। अंतिम संस्कार समाप्त हो चुका है जनरल बिपिन रावत का और अब एक एक करके डिग्निट्रीज और उनके परिवार के सदस्य बाहर निकल रहे हैं। हमारे साथ मेजर जनरल एसपी सेना भी हैं। जनरल सेना, आज या कल जो भी तस्वीरें आई हैं, एक ही शब्द है जो हर तस्वीर को बयां करता है, वो है इमोशंस, भावुक, कनेक्ट विद मासेस। जनरल लोगों के दिलों में बसते थे, जनरल रावत लोगों के दिलों में बसते थे। इससे बड़ी श्रद्धांजलि नहीं हो सकती देश के पहले सीडीएस को कि वो आम जन के बीच इतने, आम जन के दिल के इतने करीब थे। मार्शल लेकिन जिस तरह से लोगों का प्रेम और सम्मान जनरल रावत के लिए लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लोग बोल के आ रहे हैं, प्रकाश माता की जय बोल रहे हैं, जो लोग जनरल रावत के नजदीकी करीब से भी कभी नहीं आए थे, उसको खाली दूर से देखते थे, वो भी रोड पे खड़े होके प्रकाश माता की जय चिल्ला रहे हैं और अपना अपना सम्मान दे रहे हैं। यह अप्रत्याशित, मैंने ऐसा सम्मान 1947 के बाद किसी भी फौजी अफसर को मृत्यु के बाद ऐसा सम्मान नहीं देखा। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि देश में राष्ट्रीयता बहुत बड़े पैमाने पर जाग चुकी है। ये समझती है कि सेना देश के लिए बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है और क्योंकि सीडीएस जनरल रावत सीडीएस थे तो देश को सुरक्षित प्रदेश में रखने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। उच्च उपलब्धि डोकलाम में दीजिए, बालाकोट तक में दीजिए, एयर स्ट्राइक में दीजिए, सर्जिकल स्ट्राइक में दीजिए, लद्दाख में दीजिए, तो देश सब देखता रहता है। आज सोशल मीडिया इतना एक्टिव हो गया है कि लोगों को घटे घटे की खबर रहती है कौन क्या कर रहा है। तो ये जो सम्मान का प्रदर्शन मैंने देखा अपनी आंखों से, मैं टीवी से देख रहा हूँ, तो मैं बहुत भावना से पूरी तरह से मैं गिर गया हूँ कि देश जानता है कि देश का एक्चुअल असर कौन है और देशवासी बहुत बुद्धिमान है। वो जनरल रावत के नेतृत्व में पूर्ण विश्वास रखते हुए, उनकी सेवा को देखते हुए वो नतमस्तक हो रहे हैं जनरल रावत के आशीर्वाद में। ये बहुत बड़ी चुनौती है। मैंने ऐसा भाव प्रदर्शन नहीं देखा है इस साल में। मैंने एयर चीफ मार्शल अतुल सिंह जी के भी निधन से 7 घंटा न्यूज दिखाया था, लेकिन इस तरह का शोधी लोगों को दिखाया थे वक्त से। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये जनरल रावत की उपलब्धि उनके दिल कि हर एक के दिल में जाके बैठ जाए, हर एक के दिल में एक एक लड़का मिला, उससे पूछा गया कि आपने कभी सर वो मिले हैं, तो नहीं मिले हैं सर, लेकिन हमने दूर से देखा है, उनको टीवी से देखा है और मैं उनसे प्रेरित हुआ हूँ और मैं भी राष्ट्र के कुछ करूँ। जब नौजवानों को ये भावना आती है कि मैं कुछ राष्ट्र के लिए करूँगा, वादी के मान के चलिए देश सुरक्षित है, क्योंकि यही नौजवान हमारे देश के फ्यूचर है, भविष्य है और ये वो राष्ट्र प्रेम से प्रेरित है। आप समझिए कि हमारा राष्ट्र सुरक्षित है, जो कल का राष्ट्र होगा, कल के जो नेता बनेंगे, कल के जो मिलिट्री ऑफिसर बनेंगे, वो जब जनरल रावत से प्रभावित होकर अपना अपना सम्मान दे रहे हैं, आप समझिए आदित्य जी, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जनरल रावत। देखिए जनरल रावत की उपलब्धि और भी बात करें तो मैं बताना चाहता हूँ आपको, इंटेग्रेटेड बैटल
बैटल ग्रुप बन है उन्होंने लागू किया, 2.5 फट वॉर सीनरी की कल्पना की और उसको फुल प्रूफ ऑपरेशन प्लान बनाया, 4 थिएटर कमांड की उन्होंने कल्पना की थी, वो अद्वैस्थिति कार्यान्वित नहीं हो पाया लेकिन भविष्य में यह होगा क्योंकि वो थिएटर का आर्क है। और यह थिएटर कमांड है क्या, प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।